बस हवा निकल गई नमस्ते तो दोस्तों मैं हूं आपका सिने हस्तर रंजन और इस वक्त मैं पठान का बिल्कुल ऑनस्ट वाला रिव्यू करने वाला हूं जी हां दोस्तों ये ऑनस्ट रिव्यू होगा तो मैं फिल्म की तारीफ भी करूंगा लेकिन आपको बता दूंगा छोटी बहुत थोड़ी बहुत जो मुझे कमियां लगी तो लेट स्टार्ट फिल्म की स्टोरी वही है दोस्तों जो आपने ट्रेलर में देखी थी बेसिकली आउटफिट एक्साम की ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मालिक है जॉन जॉनब्राहिम और इस वजह से वो अटैक प्लान कर रहे हैं रॉ एजेंट है शाहरुख खान और किस तरह वो हमारे देश को बचाते हैं उनको अपने जो मिशन है फिर कौन कौन मिलता है ये बेसिक प्लॉट है मैं ये बिल्कुल पॉलर फ्री रिव्यू होने वाला तो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि कौन सा कैरेक्टर एक्जेक्टली क्या प्ले कर रहा है क्योंकि वो काफी लेयर्ड कैरेक्टर्स हैं काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं तो ये बेसिक इसकी स्टोरी लाइन है तो चलिए सबसे पहले मैं इसकी शुरुआत करता हूँ पॉजिटिव पॉइंट से तो सबसे पहली चीज शाहरुख खान दोस्तों दिस इज आउट एंड आउट शाहरुख खान एंटरटेनर आपको बता दूं शाहरुख खान इस फिल्म की लाइफलाइन है फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश पहले फ्रेम से लेकर आखिरी फ्रेम तक जब तक आप शाहरुख खान को देखते हैं आप बिल्कुल मेसमराइज हो जाते हैं सबसे पहले बात तो चार साल से स्क्रीन पे आए नहीं थे तो उनको देखना और उनको इस कैरेक्टर में देखना एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा दोस्तों स्पेशली सिद्धार्थ की जो शाहरुख खान का हेयर स्टाइल है आप जानते हैं सबको बहुत ज्यादा पसंद आया था डॉन टू ने कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी क्योंकि उसने वो हेयर स्टाइल शाहरुख खान का दिखाया तो था बट डॉन टू में अगर आपको ध्यान हो सिर्फ पहले दस मिनट में हेयर स्टाइल था इसमें शाहरुख खान पूरी फिल्म में वो हेयर स्टाइल लेके चल रहे हैं और मैं कह सकता हूँ बहुत ज्यादा सूट कर रहा है बहुत ज्यादा सेक्सी लग रहा है ही नॉट लुकिंग एट ऑल की वो फिफ्टी एट ईयर्स है और एक स्पेशल चीज मैं बोलना चाहूंगा उनका जो एंट्री सीक्वेंस है आपको बता दूं आप पांच सौ रुपए के टिकट लें आठ सौ के लिए हजार के लिए वो एंट्री सीक्वेंस वन ऑफ द बेस्ट एंट्री सिक्वेंस इन द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड इतना मासी एंट्री सीक्वेंस है दोस्तों कि जब वो हेलीकॉप्टर लेके उड़ते हैं वो आपने ट्रेलर में भी देखा होगा तो ये स्पॉइलर नहीं है बट जब वो लेके उड़ते हैं और जब पठान लिख के आता है ट्रस्ट मी गाइस थियेटर्स टर्न इनटू स्टेडियम मैंने आई मैच में देखी और आई मैच में नॉर्मली इतनी होटिंग नहीं होती है लोग इस तरह चीख रहे थे चिल्ला रहे थे इट वॉज ओनली एंड ओनली अबाउट शाहरुख खान सेकंड चीज दोस्तों मुझे सुन की अच्छी लगी जो है एक्शन सीक्वेंसेस हमने जानते ही हैं कि एक्शन थ्रिलर है तो बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस हैं। खास बात है सुन की ये है कि एक्शन जो है वो ओवर द टॉप तो है तो हेलीकॉप्टर चौपर वो सब चीजें तो है एक उड़ने वाला शॉट भी है जो हमने ट्रेलर में भी देखा लेकिन इसमें मैन टू हैंड टू हैंड फाइट भी है एक ट्रेन का सीक्वेंस है इसमें हैंड टू हैंड फाइट है उसके बाद एक आप कह सकते हैं एक जॉन अब्राहिम और शाहरुख खान के कैरेक्टर की टमलर के ऊपर फाइट है तो कई सारे ऐसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स हैं और आपको कहूंगा वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स है दोस्तों जो कि मैं आप कह सकता हूं आपका दिल जीत लेते हैं थर्ड चीज में दोस्तों मैं कहूंगा आ, दीपिका पटकौर एंड जॉन अब्राहिम जॉन अब्राहम दोस्तों आप सब जानते हैं जॉन अब्राहम ने बहुत सारी एक्शन मूवीज करी हैं। तो देखने से दे पहले मैं भी थोड़ा स्केप्टिकल था कि क्या जॉन अब्राहम को बहुत ही अलग अवतार में दिखा पाएंगे धाता बट मैं कहना चाहूंगा टेन ऑन टेन क्योंकि जॉन अब्राहम को जो डायलॉग्स दिए गए हैं मानिए कुछ सीन में वो शाहरुख खान पे भी बारी पड़ते हैं जी दोस्तों मुझे नहीं पता था फिल्म देखने के पहले मैं ये कहूंगा बट लिटरली आई विश कि उनका लुक थोड़ा सा और डिफरेंट होता ताकि वो अपनी बाकी मूवी से रिजेंबल नहीं करते बट फिर भी जो उन्होंने कैरेक्टर निभाया है जो उनको डायलॉग दिए गए हैं एक डायलॉग में हाईलाइट करना चाहूंगा इनका सेकंड हाफ में था मान ना मान, मैं तेरा पठान आपको बता दू विलन के डायलॉग्स में भी टालिया सीटिया वर्जी ऐसी फिल्म है ट्विस्ट न्टर्म्स। ट्विस्ट एंड एंड भी आप कह सकते हैं इस फिल्म का बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है इस फिल्म में बैक टू तो बैक ट्विस्ट एंड टर्म्स आते हैं हर पंद्रह बीस मिनट में स्टोरी एक अलग मोड लेती है और आप कह सकते हैं इसी वजह से शुरुआत से लेकर अंत तक फर्स्ट फ्रेम टू लास्ट फ्रेम स्टोरी अनप्रेडिक्टेबल बनी रहती है आखिरी सीन से लेकर हर वक्त आप हमेशा ये गेस करते रहोगे कौन किससे मिला हुआ है काफी जैसे मैंने बताया लेट कैरेक्टर्स हैं तो आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते इसके अलावा दोस्तों एक फिल्म इस फिल्म का एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है डिम्पल कबाड़िया मैम डिम्पल कपाड़िया मैम को हमने ट्रेलर में देखा था लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनका एक अहम रोल होगा जी हाँ दोस्तों उनका बहुत ही अहम रोल है इनफैक्ट सेकंड हाफ में उनका एक सीन है विच इज लिटरली आपको मैं कह सकता हूं कि घूसबंस आ जाएंगे क्योंकि वो एक ऐसा सीन है काफी पेट्रियोटिक सीन है बहुत ही जबरदस्त सीन है मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं इसका एक वाला रिव्यू करूंगा जिसमें मैं सारी इसकी जो थ्योरीज है बहुत चीजें हैं दोस्तों बात करने के लिए बट अभी मैं बहुत कुछ नहीं रिवील कर सकता क्योंकि एक स्कॉलर फ्री रिव्यू है तो वो कहूंगा उसके अलावा दोस्तों इस फिल्म की एक सबसे बड़ी हाईलाइट है सलमान खान का कैमियो सलमान खान का जो कैमियो है दोस्तों इस फिल्म में वो बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग बहुत ही जबरदस्त है स्पेशली सीन करण एंड अर्जुन टुगेदर शाहरुख खान और सलमान खान जब थियेटर्स उनको देखता है स्क्रीन पे तो लिटरली कहते हैं ना वो सत्तर एमएम का पर्दा फट जाता है दोस्तों बहुत जबरदस्त कैमियो है ये मैं एक बोलना चाहूंगा फिल्म उतना लॉजिक मत ढूंढिएगा कि कौन कहां से आ रहा है कैसे आ रहा है उतनी लॉजिकल नहीं है लेकिन आप ये कहेंगे एक फैन सर्विस करी गई है कि आप जब जो भी स्क्रीन पे होता हुआ देखते हैं आपको मजा आता है आप एंटरटेन होते हैं अब दोस्तों इसकी लास्ट में खूबी बता दू वो इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये आउट एंड आउट मास एंटरटेनर है ये एक ऐसी फिल्म है दोस्तों मैंने इसका आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था फाइव रीजन की पठान क्यों ब्लॉकबस्टर हो सकती है मैं इस वीडियो के लास्ट में उसको लिंक कर दूंगा अगर आपने उस वीडियो में एक मेरा पॉइंट देखा हो जो सबसे अहम पॉइंट था वो था आउट एंड आउट कमर्शियल सिनेमा ये एक ऐसी फिल्म बनाई गई है जो मासस को भी पसंद आएगी क्लासेस को भी पसंद आएगी ये फिल्म आई मैथ में भी चलेगी ये फिल्म मल्टीप्लेक्सेज में भी चलेगी हैविंग सेट ये फिल्म सिंगल स्क्रीन में भी चलेगी जी हाँ दोस्तों टीयर टू टीयर थ्री की जो सिटीज है उसमें जो जिस लेवल के इसमें एक्शन सीक्वेंसेज है मैं कह सकता हूं ऐसे एक्शन सीक्वेंसेज

मैं कहूंगा ये फिल्म जब शुरुआत लेती है और शुरुआत के दो तो आधे घंटे हैं वो मैं कह सकता हूं बिल्कुल जैसे आप कहते हैं बिल्कुल जबरदस्त है बिल्कुल इलेक्ट्रीफाइंग है और जब शाहरुख खान की एंट्री होती है वहां से लेके ए, पहले आधे घंटे की फिल्म है बहुत सारे एक्शन सिक्वेंस तो और जैसे मैंने बताया फिल्म बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करती है अपने आपको सेटअप करने में बैक टू बैक बिल्कुल शाहरुख खान जॉन अब्राहिम बिल्कुल आमने सामने हैं और फाइट्स हो रही है लेकिन उसके बाद मैं कहूंगा दीपिका की एंट्री जब होती है उसके दस से पंद्रह मिनट बाद फिल्म थोड़ी सी आपको स्लो फील हो सकती है अब मैं एक्जैक्टली exactly उसको ये नहीं कहूंगा कि फिल्म बोरिंग हो जाती है बट लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि बहुत सारी चीजें बिल्टअप करी गई है जो कि सेकंड हाफ में एलिवेट करती है तो इस फिल्म का जो सेकंड हाफ है वो मैं कह सकता हूं दोस्तों बिल्कुल जैसे बहुत ही जबरदस्त है इस फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है इनफैक्ट जब इंटरवल

सेकेंड हाफ दूसरी चीज दोस्तों मैं कह सकता हूं जो मुझे इसकी थोड़ी सी कम कमी लगी इसमें वो था इसका वी बहुत सारे सीन्स हैं आपने देखे ही है ट्रेलर में जो उड़ने वाले सीन्स हैं उसके अलावा टर्मलर पे जो जॉन की और शाहरुख खान की फाइट है उसके अलावा एक और ट्रेन सीक्वेंस है जिसमें आ, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं रिवील कर सकता क्योंकि स्पॉलर हो जाएगा बट आ, आप कह सकते हैं वो भी एक सीन है जिसमें शाहरुख खान ट्रेन के ऊपर फाइट कर रहा है। तो उसमें भी आप बड़ी आसानी से बता सकते हो कि बट ऑनेस्टली स्पीकिंग काम चलता है ऐसा नहीं देख रहे हो पर्दे पर आर्टिफिशियल है पर फिर भी मजा देती है तो आउट एंड आउट दोस्तों मैं यही कहूंगा एंटरटेनर फिल्म है और फिल्म वीकेंड पे ही देखिएगा दोस्तों पांच दिन का जो इसका वीकेंड है तो आपको फिल्म नॉर्मल लग जाए लेकिन जो हाउस पैक में हाउसफुल थिएटर में जब आप देखेंगे और जो तालियां सीटियां बजेंगी शाहरुख खान के डायलॉग्स स्पेशली वो डायलॉग जो ट्रेलर में भी था कि मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा मतलब इतना जबरदस्त क्रेज मैंने नहीं देखा दोस्तों मैं कह सकता हूं ये शाहरुख खान का करियर रिवाइव नहीं करेगा बल्कि बॉक्स ऑफिस पे धमाका कर देगा ये वही कम है जिसका हम इंतजार कर रहे थे शाहरुख खान इज बैक एंड बैक लाइक नेवर बिफोर दिस मार्क माय वर्ड्स दिस कम बैक विल बी रिमेंबर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड इतना जबरदस्त कम बैक किसी एक्टर ने नहीं, नहीं किया दोस्तों और ये एक तरह से आप कह सकते हैं एक शाहरुख खान का जवाब है उन लोग के ऊपर जो कहते थे कि शाहरुख खान सिर्फ एक रोमांटिक हीरो है वो हर जॉनर को प्ले कर सकते हैं और शाहरुख खान इज एब्सोल्यूटली एक्स्ट्रॉर्डनरी इन दिस फिल्म तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू अपना भी आप मुझे रिव्यू बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको फिल्म कैसी लगी क्या आपको उसके पॉजिटिव लगे क्या उसके नेगेटिव लगे बाकी स्टार्स की बात करूं तो मैं करीब साढ़े तीन चार स्टार बिल्कुल बड़े आराम से दे सकता हूं साढ़े तीन चार स्टार मैं कह सकता हूं उसकी एक ऐप रेटिंग रहेगी क्योंकि हाँ मैं एडमिट कर रहा हूं ये बिल्कुल एक मास्टर पीस नहीं है जिसमें बिल्कुल फ्लॉज नहीं है हाँ आप देख के फिल्म कह सकते हो कि हाँ इससे भी थोड़ी बेटर हो सकती थी बट फिर भी एक ऐसी फैन सर्विस करती है जिसको देख के आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू पठान का आप भी प्लीज मुझे बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन बताइएगा आपको क्या चीज अच्छी लगी क्या चीज थोड़ी कम अच्छी लगी उसके अलावा मैं कहूंगा फिल्म में एंड क्रेडिट सीन भी है तो प्लीज उसको मित मत करिएगा सीट से मत उठिएगा और झूमे जो पठान गाना है उसके बाद भी एक सीन है तो मैं कह सकता हूं उसमें बेसिकली दो एंड क्रेडिट सीन है दोनों को एंजॉय करिएगा और अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसके अलावा ये मैंने वीडियो बनाया था जिससे मैंने बताया था पांच रीजन की क्यों पठान ब्लॉक हो सकती है मैं कह सकता हूँ पांचों रीजन सच हो गए तो प्लीज ये वाला वीडियो भी चेकअप करिए